माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको व्याकरण का वीडियो एक में समानार्थी शब्द क्या होते हैं उसके बारे में समझाऊंगी। मैंने लाइव लेक्चर में भी आपको यह वीडियो में समझा दिया था कि समानार्थी शब्द क्या होता है, और मैं फिर से यह वीडियो आपको समझाती हूँ। समानार्थी शब्दों को हिंदी में पर्यायवाचक शब्द भी कहते हैं। जैसे कि फूल, तो फूल का दूसरा अर्थ होता है पुष्प, सुमन, कुसुम। वैसे ही सूर्य, सूर्य का दूसरा अर्थ होता है रवि, भानु, आदित्य। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, एक ही अर्थ सूचित करने वाले एक ही वस्तु के अलग अलग नाम होते हैं, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। फिर से विद्यार्थी मित्रों, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? इस प्रकार एक ही अर्थ सूचित करने वाले एक ही वस्तु के अलग अलग नाम होते हैं, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मैंने यहाँ 1 से 7 पाठ के सभी समानार्थी शब्द आपको बताती हूँ। आप ध्यान से सुनना, फिर व्याकरण के विभाग में हमें यह समानार्थी शब्द लिख देने हैं। तो पहला है सुबह। सुबह का अर्थ होता है प्रातःकाल या प्रभात। चिड़िया का अर्थ होता है पक्षी, गोरैया। हवा का अर्थ होता है पवन, वायु। खुशबू का अर्थ होता है सुगंध। लहर का अर्थ होता है तरंग। जगत का अर्थ होता है दुनिया। लोक का अर्थ होता है विश्व, संसार। मान का अर्थ होता है आदर, सम्मान। भूमि का अर्थ होता है जमीन, धरती। तेज का अर्थ होता है प्रकाश। देह का अर्थ होता है शरीर। रक्त का अर्थ होता है खून, लहू। अस्थि का अर्थ होता है हड्डी। प्राण का अर्थ होता है जान, जीव। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। राग का अर्थ होता है गीत। सुहाना का अर्थ होता है सुंदर। समता का अर्थ होता है समानता। ममता का अर्थ होता है प्रेम। तराना का अर्थ होता है गीत, गाना। निस्दिन का अर्थ होता है हर रोज, दिन, रात। मधुर का अर्थ होता है मीठा। ऐक्य का अर्थ होता है एकता। अब विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको आगे के समानार्थी शब्द समझाती हूँ। कर्म का अर्थ होता है काम। तराना का अर्थ होता है गीत, गाना। प्रगति का अर्थ होता है उन्नति, विकास। हिल मिलके रहना, उसका अर्थ होता है मिलजुल कर रहना। हिल मिल का अर्थ होता है मिलजुल कर रहना। निशान का अर्थ होता है चिन्ह, संज्ञा। अंबर का अर्थ होता है गगन, आकाश। हाथ का अर्थ होता है हस्त, पानी। तट का अर्थ होता है किनारा। नन्ही का अर्थ होता है छोटी। दलदल का अर्थ होता है गीली जमीन। प्रार्थना का अर्थ होता है बिनती। शैतानी का अर्थ होता है सरा रथ। डंख, डंख का अर्थ होता है जहरीला कांटा। तड़पना का अर्थ होता है व्याकुल होना। स्वभाव का अर्थ होता है आदत, प्रकृति। प्राण का अर्थ होता है जान,
जीवन। आगे विद्यार्थी मित्रों, संकट का अर्थ होता है मुसीबत, धरा का अर्थ होता है प्रवाह बहाव, करुण का अर्थ होता है दर्द भरी दुख भरी, इरादा का अर्थ होता है विचार, अनुसार का अर्थ होता है मुताबिक, शर्म का अर्थ होता है लज्जा, विश्वासघात का अर्थ होता है धोखेबाजी, भलाई का अर्थ होता है अच्छाई, निर्दोष का अर्थ होता है बेकसूर, राह का अर्थ होता है रास्ता पंथ, प्रसन्न का अर्थ होता है खुश, बगिया का अर्थ होता है छोटा बगीचा, फूल का अर्थ होता है पुष्प, पानी का अर्थ होता है जल, रोज का अर्थ होता है प्रतिदिन, धरा का अर्थ होता है धरती भूमि। अब विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको आगे के समानार्थी शब्द समझाऊंगी। दीपक का अर्थ होता है दिया दीप, हरदम का अर्थ होता है हमेशा, हृदय का अर्थ होता है अंतर का अर्थ होता है हृदय दिल, रोशन का अर्थ होता है प्रकाशित या प्रख्यात, इंसान का अर्थ होता है मनुष्य, महकना महकना का अर्थ होता है सुगंधित करना, खास का अर्थ होता है विशेष, उत्सुकता का अर्थ होता है तीव्र इच्छा, त्योहार का अर्थ होता है पर्व उत्सव, बेजान का अर्थ होता है निर्जीव, नुक्कड़ नुक्कड़ का अर्थ होता है नाका। विद्यार्थी मित्रों, मैंने लाइव लेक्चर में समानार्थी शब्दों के अर्थ क्या होते हैं और समानार्थी शब्द क्या होते हैं यह सब समझा दिया है, इसलिए इस वीडियो में मैं केवल आपको नुक्कड़ तो नाका ऐसा अर्थ ही बता रही हूँ। मग्न का अर्थ होता है तल्लीन, बाधा का अर्थ होता है रुकावट, इरादा का अर्थ होता है संकल्प निश्चय, दफ्तर का अर्थ होता है ऑफिस, सत्य का अर्थ होता है सच। अब आगे विद्यार्थी मित्रों, जिंदा दिली का अर्थ होता है खुशामत बाजी, झूठ जाना का अर्थ होता है लग जाना, काम में लग जाना यानी के काम में व्यस्त हो जाना, पहेली का अर्थ होता है समस्या, वन का अर्थ होता है जंगल, तनिक का अर्थ होता है जरा थोड़ा, सैर का अर्थ होता है ब्राह्मण, सेवक का अर्थ होता है नौकर, उद्गम का अर्थ होता है उत्पत्ति का स्थान,
उम्दा का अर्थ होता है उत्तम। कृष्म का अर्थ होता है प्रकार। प्रताप का अर्थ होता है परिणाम या फल। क्षमा का अर्थ होता है माफी। कमजोर का अर्थ होता है निर्बल अशक्त। वजह का अर्थ होता है कारण। लगन का अर्थ होता है प्रेम रुचि। प्रजावत्सल का अर्थ होता है प्रजा प्रेमी। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको यह सब समानार्थी समझा दिए हैं और इसका लाइव लेक्चर भी मैंने लिया था और उसके फोटो भी मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, तो आप उसको देखकर व्याकरण की नोट में समानार्थी शब्द सुंदर अक्षर से लिख देना है। तब तक प्रणाम विद्यार्थी मित्रों।